नमस्कार। आज की कहानी है गिरगिट और इस पाठ का मैं आज आपको सारांश बता रही हूँ। इस कहानी में रूस के महान लेखक ने एक ऐसी घटना का वर्णन किया है जब रूस में जार की उपाधि धारक राजाओं के शासन में वहाँ की शासन व्यवस्था चापलूसों के भरोसे चल रही थी, यानी कि पूरा राज्य जो था केवल चापलूस लोगों के भरोसे पर चल रहा था। वहाँ पर हालात इतने ख़राब थे कि वहाँ के अधिकारी कानून के या आम आदमी की ऐसी शिकायत पर भी सही फैसला नहीं कर पाते थे, जिसमें दोषी कोई आदमी नहीं बल्कि कोई खतरनाक कुत्ता ही हो। पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलाव दूसरों से हथियाई बेर की एक किस्म झरबेरिया की एक टोकरी को लेकर के चौराहे से गुजर रहा था, यानी कि बेरों की टोकरी उसने भर कर रखी थी साथ में। तो अचानक उसके कानों में कुछ शोर सुनाई पड़ता है। ओचुमेलाव मुड़ा और भीड़ की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि एक कुत्ता तीन टांगों पर रेंगता हुआ आ रहा था। वह इसलिए रेंग रहा था क्योंकि एक आदमी ने गिरते पड़ते किसी तरह उस कुत्ते की एक टांग को पकड़ लिया था और वह आदमी अपना दायां हाथ ऊपर हवा में उठाकर खड़ा था और वहां पर मौजूद लोगों को अपने खून से लथपथ उंगली को दिखा रहा था। ओचुमेलाव ने उस आदमी को पहचान लिया। वह क्यूक्रेन नाम का सुनार था, सुनार यानी सोने का काम करने वाला। उस भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगों को फैलाए हुए नुकीले मुंह वाला और पीठ पर फैले हुए पीले दाग वाला सफ़ेद रंग का बारजोई नामक प्रजाति का कुत्ता ऊपर से नीचे तक कांप रहा था और अपराधी की तरह नज़र आ रहा था। जब उससे पूछा गया तो आदमी ने बताया कि वह तो चुपचाप अपने रास्ते पर चल रहा था। इतने में अचानक इस कमकल कुत्ते ने बिना किसी कारण के उसकी उंगली को काट लिया। क्यूक्रेन की बात सुनकर ओचुमेलाव कुत्ते के बारे में पूछता है कि वह कुत्ता है किसका और वह इस मामले को छोड़ेगा नहीं और उस कम अकल इंसान को इतना जुर्माना लगाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह कहीं भी फालतू खुला छोड़ देने का क्या रिज़ल्ट हो सकता है। तो वह अपने सिपाही से पता लगाने के लिए कहता है वह पिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके बिना देरी किए कुत्ते को मार देने के बाद कह देता है। इतने में से भीड़ में से कोई कहता है कि लगता है ये कुत्ता जनरल जिगालाव का है। ये सुनकर ओचुमेलाव हड़बड़ा जाता है क्योंकि उसने कुत्ते को मरवाने का आदेश दे दिया था। वह क्यूक्रेन की तरफ मुड़ता है और उससे कहने लगता है कि उसको ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर उस कुत्ते ने उसे काट कैसे लिया, ये उसकी उंगली तक आखिर पहुँचा कैसे। ओचुमेलाव क्यूक्रेन को ही कोसते हुए कहता है कि ज़रूर उसकी उंगली में कील इत्यादि लग गई होगी और उसने अचानक ही सोच लिया होगा कि चोट का पूरा इल्ज़ाम कुत्ते पर डाल दिया जाए ताकि उस कुत्ते के मालिक पर दबाव डाल करके पैसे वसूल कर सके। सिपाही ध्यान से कुत्ते को देखकर कहता है कि वो कुत्ता जनरल साहब का नहीं है क्योंकि जनरल साहब के पास तो कोई ऐसा कुत्ता है ही नहीं। जब सिपाही कहता है कि उसे एकदम पक्का विश्वास है कि वो कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, तब ओचुमेलाव फिर से क्यूक्रेन की ओर जाता है और कहता है कि इस कुत्ते ने उसे काटा है, तो एक बात को याद रखना है कि इस कुत्ते को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, इसे हर हालत में मज़ा चखाना ही है। तो सिपाही फिर से सोचते हुए बोला कि शायद यह जनरल साहब का ही कुत्ता है, कल ही उसने बिल्कुल इसी तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। अब ओचुमेलाव जानता था कि वह बहुत बार अपनी राय को बदल चुका था, इसलिए अब उसने कहा कि उस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाया जाए और उन्हीं से पूछा जाए कि क्या कुत्ता उनका है या नहीं है। जब उसके कुत्ते के बारे में कोई भी ठीक से नहीं बता पा रहा था तब ओचुमेलाव को जनरल साहब के घर में खाना बनाने वाला दिखाई देता है और वह उसको बुलाता है और उससे पता करने की कोशिश करता है, पर बावर्ची मना करते हुए कहता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह के कुत्ते को जनरल साहब के घर में कभी भी नहीं देखा है। यह सुनकर ओचुमेलाव कहता है कि अब और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, वह कुत्ता फालतू है, अब इस कुत्ते को मारकर सारी घटना को ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर बावर्ची प्रोखोर कहता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं है परंतु यह उनके भाई का है।
अब ओचमलाव को पता चला कि जनरल का भाई आया है, तो ओचमलाव बावर्ची से कहता है कि थोड़ा सोच कर देखो, जनरल के भाई साहब जनरल साहब से मिलने आए हैं और वह इतना भी नहीं जानता, और ये कुत्ता उनका है। ये जानकर बहुत खुशी हुई। ले जाइए इसे, ये तो बहुत ही सुंदर कुत्ता है। प्रोखर कुत्ते को संभालकर काठ गोदाम से बाहर चला जाता है और भीड़ क्यूक्रीन की हालत पर हंसने लगती है। और चिमलाव क्यूक्रीन को डराते हुए कहता है कि वह उससे बाद में निपटेगा, और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को पार करता हुआ अपने रास्ते पर निकल जाता है। बार बार अपनी बात से पलटने और बड़े अधिकारियों के कुत्ते तक की सिफारिश करने के कारण इस पाठ का नाम क्या रखा गया? गिरगिट रखा गया, क्योंकि गिरगिट की क्या आदत होती है कि वो बार बार अपना रंग बदलता है। और यही कारण है कि जो लोग रंग बदलते हैं, अपनी बात से पलटते हैं, उन्हें हम आम भाषा में गिरगिट कह देते हैं। और ऐसी शासन व्यवस्था के लिए ही कवि तुलसीदास ने भी ये कहा था कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, अथवा समर्थवान लोगों को कोई भी दोष नहीं दिया जाता है। समर्थवान यानी जिनके पास धन अधिक हो, सामर्थ्य हो, पैसे खर्च करने के लिए सामर्थ्य हो। तो जैसे ही अधिकारी का कुत्ता था तो